मुस्लिम लीग नून जिस रास्ते से इख्तदार में आई है वो मुल्क के मफाद में नहीं। नवाज शरीफ के पास शिकायत की गुंजाइश नहीं, बहुत घाटे का सौदा किया है। शाहिद खाकान अब्बासी के बयान ने सबको हैरान कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मेरा नवाज शरीफ के साथ 36 साल का ताल्लुक है, वो जब हुक्म करेंगे मैं उनसे मिलने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन जो आज मुस्लिम लीग नून ने सियासत की है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, इसीलिए मैंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पता नहीं नवाज शरीफ किस रास्ते पर चलना चाह रहे हैं या क्या सियासत करना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस रास्ते से मुस्लिम लीग नून इख्तदार में आई है मैं नहीं समझता कि वो मुल्क के मफाद में है या मुस्लिम लीग नून के मफाद में है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि अगर नवाज शरीफ मेरे से मशवरा लें तो मैं कभी भी उनको इन 6 जजों के मामले में फरीक बनने का मशवरा ना दूं। सवाल किया गया, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन में नवाज शरीफ के साथ कोई ज्यादती हुई है या उन्हें जानबूझकर हरवाया गया है? शाहिद खाकान अब्बासी ने जवाब दिया कि कैसी ज्यादती हुई है, उनकी जमात मुस्लिम लीग नून इख्तदार में है, मरकज में भी और सूबे में भी, खवातीन की नशस्तें भी उनकी मर्जी के मुताबिक तकसीम हो गई हैं। जब ऐसी सूरत हाल हो तो शिकायत की गुंजाइश नहीं रहती। जब आप इलेक्शन जीत गए इख्तदार में आ गए फिर शिकायत कैसी? शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि मेरे ख्याल से इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान हुआ है, तकरीबन हर जमात को कुछ न कुछ फायदा मिला है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इख्तदार में आकर भी घाटे का सौदा किया है।